टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जोश में आए राहुल गांधी ने आज संसद में आडवाणी को लेकर देश के पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे 2-3 सवाल पीएम मोदी जी से हैं। पहले अडानी के हवाई जहाज में पीएम मोदी जाते थे, अब अडानी पीएम मोदी के जहाज में जाते हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरे में अडानी और आप कितनी बार एक साथ गए? आपके कितने दौरों के दौरान अडानी गए? आपके कितने दौरे के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए? कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी जिस देश में जाते हैं वहां के ठेके अडानी को कैसे मिल जाते हैं? क्या यह अडानी की विदेश नीति है? राहुल ने वह पोस्टर भी दिखाया जिसमें पीएम मोदी अडानी के प्राइवेट प्लेन में आराम से बैठे हुए हैं। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में पोस्टरबाजी उचित नहीं है। देखिए, संसद में राहुल गांधी को हमलावर होते हुए। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी, 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा
कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।